हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, यू टीचर। तो आपका आर के ई क्यू पढ़ा रही थी मैं, यूनान में आर के ई क्यू, आपका ज्यामितीय युग मैंने ख़त्म कर दिया था। तो अब देखते हैं आर के ई क्यू में क्या था। आपको थोड़ा सा आर के ई क्यू के बारे में बता दिया था लास्ट वीडियो में, देन अब हम देखते हैं आर के ई क्यू का आगे का क्या है। तो आर के ई क्यू में माइसिनिया सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी थी। यह युग सांस्कृतिक दृष्टि से उपलब्धियों का युग था। यह वही समय था जब शास्त्रीय यूनानी संस्कृति के आविर्भाव, विकास और प्रसार की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। तो जब आपकी माइसिनिया की कला थी, जो कि क्रीट की कला के बाद आपको मैंने पढ़ाया था, तो वो आर्केइक युग में समाप्त हो चुकी थी। और ये जो है सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपलब्धियों का युग माना जाता है, कौन सा? आर्केइक युग। और यही समय था कि जब शास्त्रीय यूनानी संस्कृति का भी आविर्भाव हुआ, विकास हुआ और उसके पृष्ठभूमि इस टाइम पे तैयार हुई। इसके बाद आप पढ़ोगे क्लासिकल पीरियड, शास्त्रीय युग, तो उसकी पृष्ठभूमि आर्केइक युग में स्टार्ट हो गई थी। इसका जो श्रेय है वो नगर राज्यों के उद्भव के दिया जाता है, जिन्हें यूनान में पॉलिस कहा जाता था। अब पॉलिस कहा जाता था, उद्भव इनका जो था यूनान का, वो नगर थे, नगर को पॉलिस कहा जाता था। तो पॉलिस मतलब क्या होता है देखते हैं। तो पॉलिस का अर्थ होता है पर्वतों आदि प्राकृतिक सीमाओं से घिरा क्षेत्र, जिसका कोई नगर होता है। तो ये प्राकृतिक और पर्वतों से घिरा हुआ स्थान होता है, क्षेत्र होता है पूरा, जिसमें कोई नगर होता है। और उसके जो आसपास के ग्राम होते हैं और छोटे छोटे लघु नगर होते हैं, लघु मतलब छोटे नगर होते हैं, उनको पॉलिस के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लेकिन फिर भी यूनानी पॉलिस विस्तार व जनसंख्या दृष्टि से बहुत छोटे माने जाते हैं, मतलब इसमें नगर और ग्राम दोनों सम्मिलित है, फिर भी इनको छोटा माना जाता है। कृषि एवं ग्रामीण जीवन की प्रधानता थी। इसे व्यापारी बाहरी देशों के संपर्क से स्थापित हुए यूनानी नागरिकों के घनिष्ठ पारस्परिक संबंधों के कारण यूनानी पॉलिस संस्था बन गए थे। तो यहाँ पे जो पॉलिस होते थे वो देश विदेश से इनका व्यापार स्थापित हो गया था, तो ये मेन केंद्र बन गए थे। और यहाँ पे जो है कृषि और ग्रामीण जीवन की प्रधानता होती थी, कहाँ पे? पॉलिस नगर में। तो एथेंस की आर्थिक और जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉलिस था, जहां कलात्मक, व्यावसायिक व राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक विकास हुआ था। इससे पूर्व ज्यामिति काल में चित्रित मृणपात्रों के अतिरिक्त प्रसादों व देवालयों से संबंधित किसी कला का परिचय नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने यूनान की कला की वीडियोज़ देखी होंगी, दो तीन आप लोगों को जो भेजी है मैंने वीडियो, तो उसमें देखा होगा मैंने किसी भी भित्ति चित्र या फिर किसी भी आर्किटेक्चर की बात नहीं की है। तो यही कह रहे हैं कि इससे पूर्व हमें कोई भी भित्ति चित्र का ज्ञान नहीं हुआ है, किंतु आर्केई काल में व्यापारिक उत्थान के साथ साथ विशाल मूर्तियों एवं स्थापत्य का भी उदय हो चुका था। वस्तुतः आर्केई शैलिक में पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के साथ वहां के नगरीय एवं ग्रामीण तत्वों का समन्वय हुआ। तो अब हम आर्केई काल में जो है व्यापारिक जब उत्थान यहाँ पे हो गया था, व्यापार स्थापित हो गए थे दूसरे देशों से, तो यहाँ पे स्थापत्य का भी उदय हुआ, स्थापत्य मतलब आर्किटेक्चर का भी, और उसके बाद विशाल मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनने लग गई। आगे देखते हैं कि आर्केई युग में क्या हुआ था, तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे आर्केई युग आगे का। तो इस युग में पात्र निर्माणकर्ताओं व पात्र चित्रकारों ने पहली बार अपने कार्य पर हस्ताक्षर करने प्रारंभ किए, इससे कलाकारों के नाम ज्ञात होने लग गए। तो जो यूनान में हस्ताक्षर मिलते हैं सबसे पहले चीज़ों पे, कलाकृतियों पे, पेंटिंग्स पे, पात्रों पे, जो चित्रण होता था उन पे, तो वो कब देखने को मिलता है? आर्केइक युग से देखने को मिलता है कि जो पात्र निर्माणकर्ता होते थे, पात्रों के चित्रकार होते थे, वो कार्य करने के बाद या कार्य जब पूरा उनका कंप्लीट हो जाता था तो उस पे ये लोग अपने हस्ताक्षर कर देते थे। इससे क्या होता था कि कलाकारों के नाम हमें पता चल जाते थे कि कौन से कलाकार ने ये कलाकृति की है। आर्केइक युग में यूनानी उपासना ग्रहों अथवा देवालयों के स्वरूप स्थिर हो चुका था तथा उन्हें अलंकृत करने के लिए मूर्तिकारों व चित्रकारों की आवश्यकता हो गई थी। तो इस टाइम में आर्केइक युग में बहुत सारे ग्रह बनने लग गए थे, मतलब घर बनने लग गए थे, पूजा पाठ वाले, उपासना जहाँ पे पूजा पाठ करते हैं वो वाले ग्रह बनने लग गए थे, और देवालय, देवों का स्थान जहाँ होता है वो बनने लग गए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो है अलंकृत करने के लिए मूर्तिकारों और चित्रकारों की आवश्यकता भी होने लग गई थी, जब इनके देवालय बनने लग गए थे, उपासना ग्रह बनने लग गए थे। तो इस समय मिट्टी के ईंटों के कास्ट भवनों का स्थान पत्थर व संगमरमर के भवनों ने ले लिया। इनमें प्रवेश व शीर्ष त्रिभुजाकार बनाया जाने लगा तथा जिसे पेंडिमेंट कहा जाता था।
अब देखिए इस समय क्या हुआ, पहले मिट्टी की ईंटों के बनते थे घर, इस समय क्या हुआ उन चीज़ों ने पत्थर पत्थर से बनाने लग गए जो पहले मिट्टी से बनाते थे। तो संगमरमर और पत्थर से भवन इनके बनाने लग गए, बनने लग गए। इनमें जो इनका प्रवेश मतलब जो इनका एंट्री गेट होता था उसके जो शीर्ष होता था, शीर्ष मतलब जो ऊपर का पार्ट होता था, वो त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप का बनाने लग गए थे। इसे क्या कहते थे, पेंडिमेंट कहते थे। आप लोगों के बीच मैंने पिक्चर शेयर की, ये देख सकते हैं आप कि कैसे ये त्रिभुजाकार यहाँ पे पेंडिमेंट बनाते थे, इसको पेंडिमेंट कहते थे। ये जो त्रिभुजाकार का होता था शीर्ष मतलब ऊपर का हिस्सा, ये देख सकते हैं आप ऊपर का हिस्सा बनाया हुआ है। इसका जो मध्य भाग होता था वो ऊंचा और दोनों ओर से भाग छोटे होते थे, जिससे इनके अलंकरण एवं उपयुक्त आकृतियों के चयन में कठिनाई आती थी। तो इनका जो मध्य भाग है मतलब जो इनका बीच का हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार होता था, और साइड में जाते हुए ये पतला हो जाता था। तो इसीलिए जब इनको कोई आकृतियाँ बनानी होती थी तो थोड़ा सा कठिनाई होती थी चयन मतलब सेलेक्ट करने में कि इसमें कौन सी चीज़ें हम बनाएं। तो इसके नीचे एक सीधी पट्टी भी रहती थी जिसे फ्रीज कहा जाता था, यह भी मूर्तियों से सज्जित होती थी। हम देखते हैं फ्रीज किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे एक ये चौड़ी पट्टी है, देख सकते हैं आप लोग त्रिभुजाकार के नीचे यहाँ पे कैसे इन्होंने मूर्तियाँ बना रखी हैं, तो यहाँ पे मूर्तियाँ बनती थी। इस समय डोरिक एवं आयोनिक दोनों शैली के भवनों का निर्माण हुआ। एक तीसरी शैली भी थी जो आयोनिक शैली का ही एक रूप थी, जिसे कोरिन्थियन शैली कहा जाता है। तो दो प्रकार के स्टाइल्स को इन्होंने फॉलो किया और उसी प्रकार के चित्रण किए हैं भवनों के निर्माण में, जिसको क्या कहा जाता था, डोरिक कहा जाता था एक स्टाइल को, और दूसरी जो थी वो आयोनिक स्टाइल थी, और इनकी जो तीसरी स्टाइल थी वो आयोनिक शैली का ही रूप थी जिसको इन्होंने कोरिन्थियन स्टाइल कहा हुआ है। यह शैली आर्केइक युग के बाद बहुत प्रचलित हुई तथा आज भी यूनान में प्रचलित है। तो ये जो कोरिन्थियन स्टाइल है ये आर्केइक युग के बाद भी आगे तक चली, और ये आज भी इस स्टाइल में यूनान में काम होता है। डोरिक शैली में बना हेरा प्रथम का प्राचीन देवालय सीढ़ीदार आधार पर स्तंभों व छज्जों से घिरा होने के कारण अत्यंत प्रसिद्ध है, यह पेस्टम में है। तो देखिए आपको मैंने हेरा के बारे में बताया था जूम मीटिंग में, तो डोरिक स्टाइल जो है उससे इनका हेरा का देवालय बना हुआ है जिसमें सीढ़ीदार आधार बना हुआ है, और इनके जो दीवार होते थे, स्तंभ होते थे, छज्जे होते थे, उनसे घिरे होने के कारण वो बहुत प्रसिद्ध है। इसे पेस्टम है या पेस्टम है, इसको पेस्टम कहा जाता है। तो आगे का देखते हैं अब हम। टेराकोटा की चमकदार रंगीन टाइल्स अवश्य मिली है। एक दूसरा देवालय इसके पास ही लगभग एक शताब्दी बना जो संभवतः ज्यूस का है। इस समय स्थापत्य के साथ मूर्तियां बनाने की परंपरा नहीं थी, वरन मूर्तियां अलग से बनाकर स्थापत्य के ऊपर लगाई जाती थी। तो टेराकोटा आप लोग को बता ही दिया था, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, बेक्ड क्ले। तो टेराकोटा की चमकदार रंगीन टाइल्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं दीवारों पे और फर्श पे, और एक दूसरा देवालय भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है इसके पास ही लगभग एक शताब्दी बाद बना है जो ज्यूस का है। ज्यूस आपको बताया था कि जो ईसाई धर्म के देवता माने जाते हैं। तो इस समय जो है आर्किटेक्चर तो बनता ही था, लेकिन जो मूर्तियां बनाने की परंपरा थी वो स्तंभ के साथ साथ नहीं बनाते थे, वो क्या करते थे मूर्तियां बनाते थे, फिर उन मूर्तियों को उनके साथ अटैच कर देते थे, उनके ऊपर लगा दिए जाते थे। या पेंडिमेंट से भी 9 फीट ऊंची होती है, इस जिसके मध्य में सर्प के बालों वाली पौराणिक आकृति मेदुसा की है, गार्गोन कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार आँखों में इतनी शक्ति थी कि वह मानव को पत्थर में बदल देती है। अच्छा, तो देखिए ये जो आपका पेंडिमेंट बनता था, पेंडिमेंट मतलब जो ये त्रिभुजाकार ऊपर का आपका हिस्सा बनता था, इनके जो आर्किटेक्चर बनते थे तो उसमें जो है एक ये 9 फीट ऊंचा मध्य भाग होता था जिसमें एक सर्प के बालों वाली एक लेडी बनाई जाती थी, जिसके बाल जो थे वो सर्प जैसे थे, तो उसको मेदुसा कहते हैं, आकृति मेदुसा की है और उसको गार्गोन कहते हैं, मेदुसा की गार्गोन की मूर्ति कहते हैं। और इसको पौराणिक कथा के अनुसार, इनके कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उसके आँखों में इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी इंसान को, मानव को पत्थर में बदल देती थी, कि जो सर्प के बालों वाली लेडी थी जिसको गार्गोन कहा जाता था। इसे पेरिसियस नामक यूनानी युवक ने मारा था। यह विषय यूनान में बहुत प्रचलित था। सपाट पेंडिमेंट पर मेदुसा की आकृति स्थापत्य की सीमा को तोड़कर बाहर निकलती प्रतीत होती है।
तो ये जो है, ये जो गार्गोन थी, तो इसको पेरिसियस नामक एक देवता ने, एक युवक ने मारा था, यूनानी युवक ने। ये जो विषय है, ये जो आपको अभी स्टोरी बताई कि पौराणिक कथा के अनुसार ये सारी चीज़ें मानी गई हैं, तो ये बहुत प्रचलित थी वहाँ पे, बहुत फेमस थी। और इस सपाट पेंडिमेंट पे ये मेदुसा की जो आकृति है वो बहुत 3D लुक में बनाई गई है, जो ऐसा लगता है कि दीवार को तोड़कर बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। तो इसी प्रकार 530 और 525 ईसा पूर्व में डेल्फी में बने अपोली की देवस्थान में सीफियन देवालय भी उल्लेखनीय हैं। तो जैसे आपको ये सारी चीज़ें, ये देवालय जो अभी आपको बताया कि जिस पे ये गार्गोन बनी हुई है, इनके साथ साथ एक और इसी प्रकार का देवालय भी बना हुआ है जो 530 से 525 ईसा पूर्व डेल्फी में बना है, अपोली के देवस्थान भूमि सीफियन देवालय भी इसी प्रकार उल्लेखनीय माना जाता है। तो आपका ये आर्केइक युग था, और अभी आपका आर्केइक युग और है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पढ़ाऊंगी। देन आर्केइक युग के बाद हम शास्त्रीय युग के बारे में पढ़ेंगे। आर्केइक युग में बहुत सारी चीज़ें बनी थी, मूर्तियां बने थे, स्थापत्य बने थे, मृण पात्र भी बने थे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो जूम मीटिंग पर मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।